रुक जाओ। कृपा कीजिए माते, सृष्टि चक्र के संतुलन की कर्णधार अब आप हैं। आपको पुनर्जन्म लेना ही होगा माता। मैं स्वयं अपने पुनर्जन्म हेतु प्रतीक्षारत हूं नारायण। आद्य पुरुष शिव के विरह को दूर करने के लिए अति शीघ्र ही पधारूंगी, क्योंकि यह तो सत्य है कि शिव की अपूर्णता से मैं भी अपूर्ण ही रहूंगी। पूर्णता ही प्रवीणता है, हमारा मिलन होकर ही रहेगा। वो शुभ मुहूर्त कब आएगा माता, और आप किस रूप में पुनर्जन्म लेंगे? बहुत शीघ्र। मैं हिमावत की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। शिव और पार्वती के मिलन से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नवीन प्रकाश पुंज उत्पन्न होगा, जो सृष्टि के संतुलन को और स्थायित्व देगा। हमें पूर्ण विश्वास है माता कि आपका महादेव से पुनः मिलन होगा, किंतु इस अंतराल में महादेव का देवत्व से पुनर्बोध कैसे करवाएं? यदि उन्होंने स्वयं को पृथक रखा तो इस संसार का विनाश निश्चित है देव। जिस त्रिमूर्ति का खंडन हुआ है उसे पुनर्स्थापित करना अनिवार्य है माता। सब कुछ तो आप दोनों की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। महादेव की इच्छा के विरुद्ध आप दोनों ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उन्हें मेरे सती के रूप से विवाह करना ही पड़ा। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ?
आज यदि वो मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं तो किसके कारण? महादेव की इस दशा, इस पीड़ा के दोषी आप हैं। जैसे आज वो देवों के देव होने पर भी मनुष्य लोक में मनुष्य की भांति पीड़ा सह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी आपके अधिकांश अवतारों में पीड़ा को सहना होगा। केवल आप ही क्यों, समस्त देवी देवताओं को मनुष्य लोक में जन्म लेना होगा, उनके दुख उनकी पीड़ा को सहना होगा। स्वयं मनुष्य रूप लेकर महादेव समस्त देवी देवताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि केवल मनुष्य बनकर ही मनुष्य की पीड़ा का बोध हो सकता है, क्योंकि जब तक आप सब मनुष्य के दुखों से परिचित नहीं होंगे, मनुष्य का उद्धार नहीं हो पाएगा। मनुष्य के हित के लिए ही महादेव ने नियति को स्वीकार किया। केवल इतना ही नहीं, महादेव के स्पर्श से पृथ्वी पर गिरे सती के पिंड शक्तिपीठ में परिवर्तित हो जाएंगे। ये शक्तिपीठ मानव कल्याण का द्वार बन जाएगा। वहां सच्चे और पवित्र मन से की जाने वाली प्रार्थना मनुष्यों की तारकासुर के आतंक से रक्षा करेगी। यही कार्य करने तो गए हैं महादेव, किंतु जब तक सती के सारे पिंड शक्ति पीठ में परिवर्तित नहीं हो जाते, तब तक मेरा पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा। और तब तक महादेव की ये दशा बनी रहेगी। सती के अंग जहां जहां गिरे थे वहां वहां संसार के कल्याण के लिए शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार धरती पर माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं। महादेव का स्पर्श पाकर आपने अभी जिस पिंड को शक्तिपीठ बनते देखा, ये स्थान राजस्थान में है। यहां पर सती के बाएं पैरों की उंगलियां गिरी थीं।